गुजरात के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज गांधीनगर में बैठक करेंगे। बीजेपी विधायक दल केंद्रीय पर्यवेक्षकों वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी महासचिव सरोज पांडे की उपस्थिति में अपने नेता का चुनाव करने के लिए बैठक करेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी वी सतीश भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम अभी भी इस पद की दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी के गढ़ में जीत का अंतर कम होने की पृष्ठभूमि में उनके इस पद के लिए फिर से चुने जाने का संदेह में बदल मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे रूपाणी को नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभालने को कहा गया है। राज्यपाल ओपी कोहली ने चुनाव नतीजे के बाद बुधवार विधानसभा भंग कर दी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 संसदीय विधानसभा सीटों में से 99 सीटें हासिल कर सत्ता बरकरार रखी। बीते कई चुनावों में यह बीजेपी की सबसे कम सीटें हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 80 सीटें जीती, जिनमें से मुख्य विपक्षी दल को 77 सीटें प्राप्त हुई हैं। बैठक दोपहर 3:30 पर बीजेपी दफ्तर में होगी।